भारतीय टीम के पहले दौर के यानी कि ग्रुप स्टेज के जो मैच होने वाले जो अमेरिका में होने वाले, और उसके बाद सुपर एट के जो मुकाबले होंगे वो कैरिबियन धरती पर होंगे यानी कि वेस्ट इंडीज़ में होने वाले हैं। उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो भारतीय बल्लेबाजियों किस तरह का प्रदर्शन रहा है वेस्ट इंडीज़ की पिचों पर, आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सूर्य कुमार यादव की, जिन्होंने वेस्ट इंडीज़ में 6 T20 मैच खेले हैं, जिसके दौरान उनकी जो औसत रही है वो 36 की रही है। स्ट्राइक रेट उनका रहा 161.19 का और 216 उन्होंने रन बनाए। इस बीच सूर्य कुमार यादव के 83 रन हाईएस्ट स्कोर है और 2 उन्होंने अर्धशतक लगाए हैं। रोहित शर्मा टीम इंडिया कप्तान रोहित शर्मा की बात कर लेते हैं, उन्होंने 7 मैच खेले, इस दौरान उनकी 6 पारियों में 46.25 की औसत से 145.66 का उनका स्ट्राइक रेट रहा, उन्होंने 185 रन बनाए। इसी बीच रोहित शर्मा ने 2 अर्धशतक लगाए हैं। रोहित शर्मा ने साल 2010 में पहली बार ब्रिजटाउन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 46 गेंदों पर 89 रन बनाए थे। इसके बाद साल 2022 में तारोबा में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ रोहित शर्मा ने 44 गेंद पर 64 रन की पारी खेली थी। इसके बाद बात करते हैं ऋषभ पंत की, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में जगह बनाई है अभी अभी और वेस्ट इंडीज़ की धरती पर 5 T20 मैच खेले, उस दौरान उन्होंने 58 की औसत से 137 के स्ट्राइक रेट से 174 रन बनाए हैं। ऋषभ पंत ने 1 अर्धशतक भी लगाया है। साल 2019 में उन्होंने 42 गेंद पर 65 रन नाबाद बनाए थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ। बताते हैं विराट कोहली, जो कि सिर्फ 3 मैच खेले हैं जिन्होंने वेस्ट इंडीज की धरती पर, और 37.33 की औसत से 141.77 के स्ट्राइक रेट के साथ 112 रन उन्होंने बनाए हैं। इसी बीच उन्होंने 1 अर्धशतक लगाया है। धरती पर विराट कोहली के स्कोर हैं 14 रन, 39 रन और 59 रन। इस तरह से उनका जो है वो स्कोर कार्ड रहा है।